कुछ अच्छा किसे मिलेगा। तो लड़कियों, क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल। कितना बड़ा स्नीकर है, सच में भी बहुत बड़ा है। मुझे सामान्य आकार का मिला है, फिर भी मेरे छोटे वाले से अच्छा है, बहुत छोटा। हाँ, यह अच्छा नहीं हुआ। दुखी होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होने से थोड़ा होना अच्छा है, इसलिए मैं इसके मजे लेने जा रही हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। अजीब है, जैसा मैंने कहा था, यह स्वादिष्ट है। ओलिवर, अब तुम्हारी बारी। वास्तव में मुझे पता नहीं कि मुझे कांटा और चाकू चाहिए, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं इसे खाना चाहता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। बस बहुत हो गया, ये अपना कांटा चम्मच वापस लो। मतलब है, अपने हाथ से खाओ। हाँ, मैं खाऊंगा, क्योंकि इसे ऐसे ही खाना चाहिए। कितना गंदा। तुम दोनों ही मूर्ख हो, किसे परवाह है कि तुम कैसे खाते हो, खासकर तब जब ये बहुत सारे हैं। ओ, मैं तुम सभी की गिनती भी नहीं कर सकता। मुझे पता है ना ये बहुत अच्छा। अरे, इसे हमारे तरफ मत फेंको। ठीक है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा इस बिल्डिंग को तो देखो जो मैंने बनाया है, और 1, 2, 3, तुम्हें सबसे ज्यादा चॉकलेट भी मिला है, और इसके साथ फाउंटेन भी। मैं सभी चॉकलेट बार को इस पर लगाऊंगी, और मेरे पास स्नीकर फाउंड्यू है। अब खाओ दोस्तों, तुम कितनी अच्छी हो। धन्यवाद कमीला, मिल बांट कर खाने से और भी स्वादिष्ट हो गया। ओरियोस, एकदम सही। कितना थोड़ा छोटा नन्ना सा कुकी है, यह उचित नहीं है। खैर, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत सारे मिले हैं। मेरे पास बस एक सामान्य कुकी है, वो ठीक है। मुझे इन सभी को गिन लेना चाहिए। 1, 2, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। यह दूध इसमें मदद करेगा, और हम इसके बड़ा होने का इंतजार करते हैं। हाँ, अब यह ज्यादा है और स्वादिष्ट भी। मुझे फ्रॉस्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं पहले उसे खाऊंगी। धन्यवाद, यह बहुत क्रीमी और स्वादिष्ट है। काश ये और भी होता। तुम कुकी के साथ क्या करने वाली हो? मैं एक नई फिलिंग का उपयोग करूंगी। मेरे पास यहाँ न्यूटेला का एक जार है, चॉकलेट कुकीज के अंदर चॉकलेट भरी हुई। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम सही कह रही हो, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता। जोर से पकड़ो। वो नहीं, ये तुमने क्यों किया? अब मेरी वो ट्रीट खो गई है जो मैंने अपने लिए तैयार की थी। माफ करना, तुम बहुत अधिक समय ले रही थी। तुम्हें पता है मैं क्या लेकर आया हूँ? देखो, तुम लोग वास्तव में कुछ खास देखने वाले हो। तैयार हो? इसे देखो, एक विशाल ओरियो। इस बार मुझे निश्चित रूप से एक कांटा और चाकू चाहिए। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे भी चाहिए। मेरे बारे में मत भूलना। स्वादिष्ट। शांत हो जाओ, यहाँ बहुत है। ओके। और अधिक कैंडीज लाओ। विशाल का स्किटल्स, मेरा सामान साइज का है, और इंद्रधनुष के सभी रंग इसमें है। पता नहीं इसको छाटने में कितना समय लगेगा। लाल और पीला, यह वास्तव में सुंदर लग रहा है। देखो मैंने इसे क्या बनाया है, और इसका स्वाद तो कमाल का है। विकी, क्या तुम यह देख रही हो? अरे हाँ, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब आपको भूख लगी होती है तो हर एक टुकड़ा अमूल्य होता है। तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? बस ऐसे ही। ये धब्बे कहाँ से आ गए? लगता है कि मुझे स्किटल से एलर्जी हो रही है। अब मेरी बारी है अपनी कैंडी को खाने की। यह लाजवाब है। आप उसके बालों को देखो। मैं देख रहा हूँ। कमीला, क्या तुम्हें हमेशा से लाल बाल पसंद थे? अरे ये क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे भी ऐसे मजेदार बाल चाहिए, और नीला मेरा पसंदीदा रंग है, स्वादिष्ट और सुंदर। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा चाह रही थी वैसा हुआ है। देखो मेरे लंबे सुंदर बाल कहाँ है? वो काम क्यों नहीं किया? ठीक से देखो विकी, यह काम कर चुका है। मैं एक एलियन की तरह लग रही हूँ। वाह, पर बहुत बुरा, यहाँ बहुत कम है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, पूरा कैन। मेरे पास जरूरत से बहुत ज्यादा है, मैं अपने कैन का ऊपरी हिस्सा देख भी नहीं पा रही हूँ। अरे वाह, कितना सारा। चलो देखते हैं अंदर क्या है। इतनी बड़ी चिप्स मैंने आज तक नहीं देखी, और इसका स्वाद भी कमाल का है। अब मेरी बारी है, मैं चिप्स का एक टावर बनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ऊंचा होगा आकाश को छूते हुए। देखो कितना अच्छा है। अरे नहीं, और ये नीचे आ गया।
चिप्स अभी भी यहाँ है और अब मैं इसे खा सकता हूँ। मुझे भी चिप्स मिले हैं, हालांकि मैं उसे निकाल भी नहीं पा रही हूँ। बेचारी कमीला, यह ट्वीज़र है जो अब मेरी मदद करेगी। तो अब हम सब आनंद ले पा रहे हैं अपने। क्या मेरा खत्म हो गया? लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी शुरू किया था। विकी, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? हाँ हाँ, ले लो। वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ अभी भी बहुत कुछ है। मैं निश्चित रूप से पेट भर कर खाऊंगा। क्या तुम सच में फंस गए हो? ओलिवर, मेरी मदद करो, तुम लोग जल्दी खींचो। 1, 2, 3, तुम दोनों का शुक्रिया। वाह, रंगीन कॉटन कैंडी, इतने सारे की कभी खत्म नहीं होंगे। पर सभी को उतना नहीं मिला है और मुझे तो बहुत ही कम मिला है। खैर, जितनी जल्दी मैं खाऊंगी उतनी जल्दी दूसरे दौर में आगे बढ़ सकती हूँ। और यह अब मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ, जो स्वाद से भरपूर है। ओके। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह सीधे मुंह में घुल जाता है। केवल मुंह में ही नहीं घुलता है, इसे गायब होते देखना भी मजेदार है। क्या? नहीं, मेरा फॉर्चून कैंडी, ये तुम कैसे कर सकते हो? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ओलिवर, विकी सुनो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओलिवर देखो क्या हुआ, आइसक्रीम ट्रक है जो उधर आ रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? देखो उधर उस तरफ, यह मुझे मौका मिला है। झूठ बोलना बंद करो, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती विकी? मैं उसके बारे में नहीं जानती, पर मुझे शर्म नहीं आती। तुम दोनों ही एक नंबर की चोर हो, यह अवैध है। क्या? ये सब बंद करो विकी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे सारे कॉटन कैंडी खा लिए, साबित करो। तुमने खुद ही खा लिए होंगे। ये मेरा पसंदीदा कैंडी, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही मिले हैं, ये सही नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। सावधान रहो लड़कियों, मुझे एक बड़े हथौड़े की जरूरत होगी, निशाना सही लगना चाहिए। क्या बहुत जोर से है? तो बंद करो ओलिवर। सब हो गया, अब मेरे पास मॉल्टेसर से बने हुए छोटे मीठे टुकड़े हैं खाने के लिए। कितना बढ़िया आइडिया है, मैं सच कह रहा हूँ। कमीला बस ऐसे बैठे मत रहो, खाओ। हाँ, मेरे पास खाने के लिए पूरी बाल्टी भरकर है, इसे एक बार में खाने के लिए तो घंटों लग जाएंगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे पास एक क्रिएटिव दिमाग है। मेरे इस चॉकलेट हार के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? तुम्हारी मम्मी सही कहती थी, सुंदर और स्वादिष्ट। और इसके बारे में क्या कहते हो? चॉकलेट बॉल दूध में तैरते हुए, बहुत बढ़िया। सभी खाने के मजे लो। बर्गर, बहुत बढ़िया। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा है। इतने छोटे बर्गर को तो देखकर तो मेरा मन ही उदास हो गया। एकदम सही साइज, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आशा करता हूँ कि यह सॉस कुछ मदद करेगी। कितना गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर इसका स्वाद अच्छा है। और वैसे भी मैं क्यों परवाह करूं कि यह कैसा दिखता है। सब हो गया। और अब मैं, तुम थोड़ा मुझे दे सकती हो? बिल्कुल नहीं, यह मेरा है। और तुम एकदम असभ्य हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। विकी, वह क्या है? क्या? कहाँ? क्या तुम अभी भी यह सब अपने पास रखना चाहोगी जब यह तीखा हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे लगा कि कुछ है, मैं खाने जा रही हूँ। यह इतना तीखा क्यों है? हमने ड्रैगन को जगा दिया। उसे क्या हुआ? कितना भयानक। पर आगे बढ़ती हूँ, आखिर मैं इसे खाऊं कैसे? मैं तो इसे उठा भी नहीं पा रही, सब कुछ गिर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, यह ले लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, धन्यवाद। यह क्या, क्या गलत हो गया? ओलिवर, एक भयानक विचार था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था।
लूसी को आज पूरे दिन पास्ता खाने का मन कर रहा था और लगता है किसी ने उसके लिए बहुत सारा बनाया है। मजा लो इसका। अरे यह तो वह नहीं था जो उसे चाहिए था। सूजी तो काफी शरारती निकली, पर यह तो बस शुरुआत थी। वह 100 परतों की खाद्य चुनौती की घोषणा करती है। सूजी शुरू करना चाहती है, केवल बात यह है कि उसके सामने कुछ नहीं रखा है। लेकिन उसे ज्यादा देर तक उदास रहने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए उसे क्या परोसा गया है। अब यह तो अलग ही कहानी है। यह बर्गर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो इसे कैसे खाएगी। सूजी उसे दबाकर छोटा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि वह उतनी ताकतवर नहीं है। और जबरदस्ती कुछ भी करना समस्या का हल नहीं होता है। इससे केवल आपके पूरे मुंह पर खाना लग जाएगा। लूसी को यह सब देखकर मजा आया, जब तक कि उसने अपना प्लेट देखा और उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। शायद उसे और थोड़ा ध्यान से देखना होगा। वह रहा एक माइक्रो बर्गर। उसे तो अभी ट्वीजर की ही जरूरत है। आकार तो छोटा था, पर स्वाद बहुत बढ़िया। यह तो चैंपियन के लिए एक दावत है। सूजी को बेहतर विकल्प मिला है। लेकिन सिर्फ खाना तो बेकार होगा। बेहतर होगा इसे एक खेल में बदल दे। कौन ज्यादा खा सकता है। वाह, सूजी तो हॉट डॉग खाने की चैंपियन है। You win! लूसी के पास एक बन और एक और आधा बन के अलावा कुछ नहीं है। शायद ये दूसरे स्थान पर आने के लिए था। बेहतर पुरस्कार है हॉट डॉग्स। पिज्जा, पिज्जा और भी पिज्जा। इसकी 100 परतें। लेकिन अरे, ज्यादा पिज्जा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर से इसे कैसे खाएं यह समस्या है। जब तक सूजी उस समस्या से निपट रही है, तब तक लूसी थोड़ा मजा लेने वाली है। ओह, वो तो बहुत तीखा होगा। और सूजी का पिज्जा एक बहुत ही तीखे डिश में बदल गया। लूसी के पास एक छोटा टुकड़ा है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और उसे यह बहुत ही छोटे हाथों के साथ खाना होगा। ओह, कितने प्यारे हैं। इतने छोटे चीज का तुमने बहुत अच्छे से उपयोग किया। यह इतना छोटा सा दाना क्या है? क्या यह खाना है? अरे, इस छोटे से मकई के दाने का तो भविष्य उज्जवल है। क्या होने वाला है, आइए देखिए। एक अच्छा सा पॉपकॉर्न का टुकड़ा। सूजी के पास तो शब्द ही नहीं है। इतने सारे मकई के दाने, वो जैसे हैं वैसे खाना तो बहुत दर्दनाक होगा। उसके तो लगभग दांत ही टूट गए थे। ठीक है, सूजी के पास एक योजना है और वह यह करने जा रही है। सच में थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। इतना उदास चेहरा क्यों सूजी? वॉफल के लिए कौन दुखी होता है? बेशक यह इनकार करना मुश्किल होगा कि बेहतर तब होता है जब लूसी जितना हो। लेकिन अरे, अगर तुम इसके ऊपर कुछ स्वादिष्ट डालो, तब निश्चित रूप से स्थिति अच्छी हो जाएगी।
एकदम लाजवाब। हाँ, सूजी ने तो थोड़ी गंदगी फैला दी, पर किसे फर्क पड़ता है। लूसी काम पर लगने के लिए तैयार हो रही है। उप्स, यह तो बिल्कुल वह नहीं है जिसकी उम्मीद लूसी को थी। सूजी एक छोटे से गमी बेयर को देख रही है। मीठा होगा, लेकिन अफसोस है, जितना चाहो उतना देख लो, उससे यह बड़ा नहीं होगा। वाओ। अरे, बड़ा होने से याद आया कि अगर बीज से पौधे उग जाते हैं तो क्यों ना गमी बेयर को मिट्टी में डालकर देखा जाए कि क्या होगा। थोड़ी सी देखभाल के बाद शायद इसका आकार 3 गुना बढ़ जाए। या शायद एक असली गमी बेयर की एक झाड़ी निकल आए। वाओ, कमाल है, इससे फूलों और कुछ मीठे की खुशबू आ रही है। लूसी ने सच में बहुत सारा खा लिया और लगता है कि उतने सारे कैंडी से उसे एलर्जी हो रही है। क्या आसपास कोई डॉक्टर है? चलो थोड़ा और कुछ मीठा हो जाए या बहुत सारा। अरे, केक को किस चीज की जरूरत है? सही सोचा, मोमबत्तियाँ, और अगर जगह हो तो बहुत सारे। वो तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लूसी इन्हें नहीं बुझा पा रही है। वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और उससे उसे यह मिला। सब बर्बाद हो गया। उसे सच में और ध्यान से करना चाहिए था। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से सूजी। इतना बड़ा सुनहरा डोनट, कमाल का। मेरा वाला उतना सुंदर नहीं लग रहा है। इसी के साथ खुश रहो। और अब मेरे पास सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजें आ रही हैं। ये सॉस इतनी आसानी से डल रहा है। ये डोनट के साथ एकदम सही जोड़ है। और अब खाने का समय। यह लाजवाब है। एक क्राउन, धन्यवाद, बिल्कुल मेरे साइज का। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जब मैं अपना डोनट खाऊं। आह, मेरी मदद करो, मेरा क्राउन कहाँ है? इसके तो उम्मीद मैं नहीं कर रही थी। और मेरे विचार से तो यह क्रीम और फ्रॉस्टिंग बहुत स्वादिष्ट है। चिप्स, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कैन तो बहुत ही साधारण सा है, पर मेरे वाला ऐसा लगता है कि सोने का बना हुआ है। और यह चिप्स भी। और यह चॉकलेट के साथ पूरी अच्छी तरह से जाता है। मैं तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। वह कमाल का था। आखिरकार अब मेरी बारी है इसे खोलने की। यह चिप्स नहीं है, यह कच्चे आलू है। कितना गंदा। इसकी तुलना तो चिप्स के साथ कर ही नहीं सकते। बेचारी सूजी को फिर से कुछ अच्छा नहीं मिला। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। वो जो इतने मजे लेकर चिप्स खा रही है ना, उसको अभी मजा चखाती हूँ। मुझे लगता है कि चॉकलेट को सीधे कैन में डालना चाहिए। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है।
जरा देखो यह कैसा निकला। यह आलू कहाँ से आया? शांत हो जाओ, हम इसे अभी तुरंत निकाल देंगे। मैं तो लगभग मरने ही वाली थी। उप्स। कितना सुंदर केला, एकदम सजा समरा, रत्नों से जड़ा हुआ। और मुझे वही बोरिंग पीला केला मिला है। तुम्हें तो अब इन सब की आदत ही पड़ गई होगी। आ, नहीं, कॉकरोच, कितना डरावना। सुजी, तुम्हें यह चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे बदल लेते हैं। कभी कभी साधारण चीज ही अच्छी होती है। और यह केला है, एकदम सही लग रहा है। स्वादिष्ट। एक कॉकरोच। कोई मदद करो, इसे अभी तुरंत मेरे ऊपर से हटाओ। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कॉकरोच, चलो भागो। कितने अच्छे रंगीन चमकीले कैंडी हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। कभी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। हालांकि तुम मुझे देख सकती हो कि मैं अपनी कैंडी को मजे कैसे लेती हूँ, पर यह सही नहीं है। मैं उनमें से एक ले लेती हूँ, ब्रिटनी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। तो ठीक है, फिर मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। मैं अपना खुद का लॉलीपॉप बनाऊंगी। यह बहुत अच्छा बन गया, अब बस इसे पेंट करना ही बचा है। अब यह एकदम असली चीज लग रहा है। वाह, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मुझे यह चाहिए। ओ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, लो यह लो। तुम्हारे साथ यह व्यापार अच्छा लगा, लो यह ले लो। और मैं जल्दी से एक महत्वपूर्ण काम पर लग जाती हूँ। मैं सारे कैंडी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगी। हाँ, यह हो गया। अब इसे चॉकलेट के साथ खाना ज्यादा आसान हो गया। सबसे अच्छा डेजर्ट। मैं भी अपना कैंडी खाकर देखती हूँ। कितना अजीब सा स्वाद है, ये तो कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। बर्गर, वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे अभी तुरंत खाने के लिए तैयार हूँ। ओ, मैं तो अपने दस्ताने पहनना भूल ही गई। अब इस पर सॉस डालती हूँ और अब खाने का समय। यह कॉम्बिनेशन उतना बढ़िया नहीं है, सच कहूँ तो यह है। सोजी, देखो तुमने अपने दास्ताने किधर फेंके हैं। तुमने मेरा मेकअप बर्बाद कर दिया है। ओ, इसे खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बारे में तो सोचना भी मत, यह सब मेरा है। मैं इसे पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दूंगी, फिर खाऊंगी। बकवास है। ओ, इतने सारे सिक्के, मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा ताकि मेरे दांत टूटने से बच जाएं। तुम बहुत किस्मत वाली हो, ये सिक्के मेरे काम आएंगे। एक पूरा तरबूज, दिलचस्प। वैसे मेरे तरबूज के छिलके में कीमती रत्न जड़ा हुआ है, केवल चॉकलेट डालना बाकी है। बहुत रसदार। आखिर मैं इस तरबूज को काटू कैसे? मैं इसे पूरी ताकत लगाकर तोड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया, यह बड़ा चम्मच अच्छे से काम करेगा।
यम, अगर तुम कुछ शिष्टाचार सीख लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं इसे चॉकलेट से भरने वाली हूँ और फिर सब पी जाऊंगी। इस तरह से तो वो बहुत मजे कर रही है। कैसा रहेगा अगर मैं यह विशेष चीज को उसमें मिला दूं तो? तरबूज का आधा भाग अभी भी बचा हुआ है। हो गया, पूरा खत्म। अब समय है इसमें अच्छी चीज को भरने का। इसका स्वाद, मुझे उल्टी आ रही है। मेरे तरफ नहीं, मुझसे दूर रहो। पिज़्ज़ा। और मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। अरे वाह, कैश। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये असली पिज्जा से ज्यादा पसंद है। इस पैसे से मैं इटली जा सकती हूँ और वहाँ का विशेष पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ। हेलो, जागो, क्या तुम यहाँ हो? हेलो। ओह, मेरा पिज्जा, धन्यवाद। यह तुम्हारे लिए। यह बहुत अलग तरह का पिज्जा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इस पर और चॉकलेट लगाने की जरूरत है। ओह, हमेशा की तरह उसे ही बेहतरीन व्यंजन मिले हैं। और अब यह टुकड़ा। मैं यहाँ सिर्फ ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं। और बदले में मैं तुम्हें अपना पेपरोनी दूंगी। छी, कितना खराब। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? पर यहाँ मेरे लिए सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह मैन,